हम करेंगे सम, तो तब आपको पता चलेगा कि इन अ ईयर आप कितना पैसा कमा सकते हो। That is the calculation in front of you, my friends. Be in a year, आप $35,622 earn कर पाएंगे। Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. My name is Arun और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। एक्चुअली पैसा आता हुआ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब पैसा आपके अकाउंट से जाता है तो वो चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। बट द रियलिटी इज, न्यूजीलैंड में आप जितने भी डॉलर्स कमाएंगे उस पर एक सर्टेन अमाउंट आपको एज अ इनकम टैक्स के तौर पे IRD डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, सेम एज आवर ओन कंट्री। तो आज का वीडियो है इस टॉपिक पे। आई होप कि आप पहली बार इस चैनल पे नहीं आए हैं, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस न्यूजीलैंड के बारे में आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग टू दिस वीडियो, इनकम टैक्स जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट कितना अर्न करते हैं। उस पर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो अगर इस वीडियो पे आप सीधा आए हो तो पॉज करो इस वीडियो को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिंड कमेंट में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको पूरी आइडिया आए कि स्टूडेंट इन अ ईयर कितना अर्न कर पाएंगे, और फिर हम बात करेंगे कि उस अर्निंग से आपको कितना टैक्सेशन देना पड़ता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने वो वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अब देख लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो, कि उस वीडियो में मैंने पूरा बताया था स्टूडेंट अर्निंग के बारे में। अब आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वो है न्यूजीलैंड के इनकम टैक्स स्लैब्स, जहाँ पे अगर अप टू फर्स्ट $14,000 तक आपका 10.5% टैक्स है, उसके बाद $14,000 to $48,000 तक आपका 17.5% टैक्स है। आई होप कि उससे आगे हमको स्टूडेंट लाइफ में नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सो हम वहीं तक रहते हैं। $48,000 पर ईयर आपकी इनकम है, तो पहले 14,000 तक आपको 10.5% लगेगा, और उसके बाद का जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आपको 17.5% लगेगा। अब जैसे ही ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे लगा था कि ये, मतलब ये सारी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कौन याद रखेगा कितना टैक्स बन रहा है। क्योंकि बैक इन आवर कंट्री जब हम इनकम टैक्स फाइल करते थे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हमारे जो CAs होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सारे मतलब एक्सपेंसेस वगैरह सब देख के इनकम टैक्स फाइल करते थे। बट द सिस्टम इज़ डिफरेंट इन न्यूजीलैंड। आपके अकाउंट में जब सैलरी आती है तो अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब वो ऑटोमेटिकली कट होके आती है। तो हाँ, वो फिगर देखने में काफ़ी वो डिसअपॉइंटिंग लगता है कि यार ये सैलरी आई उसमें से आने से पहले ही कट गया, बट इट हैपेंस। तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। Why now I'm making this video? उसके पीछे एक रीज़न है कि रिसेंटली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो 31 मार्च को कम्प्लीट हुआ, उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। सो आई गॉट एन लेटर फ्रॉम IRD कि आपने ये जो, मतलब मैंने जब से जॉब शुरू की है तब से लेके 31 मार्च 2023 तक जितना टैक्स आपको भरना चाहिए उससे ज़्यादा टैक्स आपने भर दिया है। अब एक्चुअली ये सीन तब होता है जब आपने कभी वेकेशन में एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लिया, तब आपकी सैलरी हाई हो गई, तो उस अकॉर्डिंग जो आपका पेमेंट है उससे ज़्यादा टैक्स कट हो जाता है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इसका पे रेट हाई है। बट ऐसा थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, जब ब्रेक्स होती है तभी होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो सिस्टम होती है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है कि ओके, इस स्टूडेंट को इतना टैक्स बनता है लीगली, लेकिन इसने इतना ज़्यादा टैक्स, मतलब हमने इतना ज़्यादा टैक्स काट लिया है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर रिटर्न करता है इनटू योर बैंक अकाउंट। कितनी इजी प्रोसेस है ना, कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आप काम करते रहो, आपको सैलरी आएगी, उसमें से इनकम टैक्स कट हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो वो टैक्स आपको वापस भी मिलेगा। क्योंकि जब कुछ चीज़ वापस मिलती है ना, तो हम सबके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है। सो दिस इज़ द सेम वे। ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग जो लेटर, मतलब मेरा जो टैक्स ईयर का असेसमेंट था वो लेटर
अब आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जिसमें ये जो पीरियड मैंने मतलब 31 मार्च तक जो मैंने काम किया, मैं जो मेरी ग्रॉस सैलरी थी उस पर आप देख पाएंगे कि मुझे भरना था $525 टैक्स, लेकिन जैसे मैंने आपको बात किया ज़्यादा आवर्स और ज़्यादा पे पकड़ के जो टैक्स मैंने भरा वो भरा 689 something dollars, वो आपको देख के पता चल जाएगा। तो द डिफरेंस इज $143। तो जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट हुआ, आफ्टर वन मंथ मेरे को एक लेटर आया फ्रॉम IRD कि भाई इस पीरियड में आपने $143 टैक्स ज़्यादा भर दिए, तो हम वो टैक्स आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैंने आपको टैक्स स्लैब समझा दिए, अगर आप ज़्यादा टैक्स भर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वापस मिल जाएगा, और अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो मतलब कम टैक्स भर रहे हो तो IRD से वो भी नोटिस आएगी कि आपको टैक्स भरना बाकी है, तो भर दीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो ब्यूटीफुल थॉट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब ज़्यादा करके फोकस करो सब्सक्राइबर्स पे, क्योंकि वी आर क्लोज टू 10K, 8300 समथिंग हो गया है। तो अब आप इतने व्यूअर्स हो, सपोर्टिव व्यूअर्स हो, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि हम बहुत जल्दी 10K मार्क तक पहुंच पाए। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे ही वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अरुण।